जो पीछे के जो चैप्टर्स बचे हुए थे हमने वो भी कर लिए हैं। अब हम दोबारा एक बार अपनी राइटिंग स्किल्स के साथ शुरू करेंगे। ओके, अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि राइटिंग्स हम लोग ठीक से नहीं लिख पाते हैं। हम राइटिंग्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज दोबारा से। बेटा राइटिंग्स मेरा करवाना तभी सक्सेसफुल है जब आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करें और चेकिंग करवाएं, तभी वो सक्सेसफुल है। क्लास में डिस्कस करना, हम लोग ओरल डिस्कशन कर लें और आप लोग सिर्फ उसको समझ लें, वीडियो देख लें, क्लास अटेंड कर लें, राइटिंग स्किल उससे हमारी नहीं बनेगी। वी नीड टू राइट। राइटिंग स्किल मीन्स राइटिंग, रिटन प्रैक्टिस। यू नीड अ लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस फॉर राइटिंग स्किल्स। आपको पता है जब आपने एग्जाम्स दिए थे तो किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स रहा था राइटिंग्स के लिए। ठीक है, मैंने उस टाइम भी आप लोगों से ये बात कही थी कि आप लोग प्लीज अपनी ग्रामर बुक्स में से रीडिंग्स कीजिए, नए शब्दों का प्रयोग करें। जो हमने राइटिंग स्किल की थी उसके लिए मैंने आप लोग को बताया था कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है राइटिंग के लिए, स्पेशली जब आप पत्र लिखते हैं, आप अनुच्छेद लिखते हैं, कौन सी चीजें जरूरी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। वैसे तो हर चीज ही राइटिंग के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन फिर भी जो मेन चीजें हैं, जब हम कोई भी लेखन कौशल करते हैं, लेखन कौशल का मतलब है राइटिंग स्किल, उसके लिए मेजरली हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आज हम पत्र करेंगे तो मैं पत्र के लिहाज से बताऊंगी किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ आप लोगों ने गलती की थी, कहाँ गड़बड़ थी और किन चीजों को हमें ठीक करना है। ओके, जब भी आप पत्र लिखते हैं सबसे पहले प्रारूप यानी कि उसका फॉर्मेट, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मेट जिस तरह से आपको करवाया जाता है वैसे ही करना है। आप लोगों को बहुत बार मैंने ये समझाया है कि मार्जिन लाइन के साथ साथ लेफ्ट साइड से आप लोग लिखना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में भी आप लोगों ने ये गड़बड़ की थी। कुछ लोग राइट हैंड साइड पर लिख देते हैं, इधर का राइट पे लिख दिया, इधर का लेफ्ट पे लिख दिया, या इधर ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट पे लिख दिया, नीचे वाला राइट पे लिख दिया। ऐसे नहीं करना किसी ने भी। प्रारूप का मतलब है उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कहाँ डेट लिखनी है, कहाँ परीक्षा भवन लिखना है, कहाँ जालंधर लिखना है, हमें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्लास 5th से हम लोग पत्र लेखन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। ओके, इस बात का सब लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद जैसे आप लोग दिनांक पहले लिख दी, जालंधर बाद में लिखा, या परीक्षा भवन नहीं लिखा और उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस लिख दिया, ये बात मैंने आप लोगों से कही थी कि आपने पत्र का जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है। अगर उसके क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया है, कोई पता दिया है, तो आप यहाँ पर पता लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे, आप परीक्षा भवन ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद दूसरी चीज है विषय। विषय का मतलब है आपका कंटेंट। आपने जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक लिखा है या नहीं लिखा है। कंटेंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक है या नहीं है, जो टॉपिक आपसे पूछा जाए आपने उसी के अकॉर्डिंगली लिखना है, अपने विषय से भटकना नहीं है। जितनी बात पूछी है उसी हिसाब से आप लिखेंगे, इधर उधर की कहानी नहीं लिखनी। ओके, जैसे ढाबे वाले और सड़कों पर जो चौराहों पर भीख मांगते हैं उनके बारे में हमें बात करनी थी, उसके बीच में घर में काम करने वाली काम वाली की बात नहीं आएगी।
आप उसी को मेंशन करेंगे कि चौराहों पर जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया जाता है या ढाबे पर छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उसके बारे में आप लिखेंगे। घरों में जो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं उस बारे में नहीं लिखेंगे, वो आपका टॉपिक से हटकर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप कैसे लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये नहीं है कि आपके माइंड में जो है आपने पहले वो लिख दिया, फिर कुछ और है वो लिख दिया, फिर ऊपर वाली जो लाइन लिखी थी, बात लिखी थी, उसके साथ आपको कुछ और समझ में आया तो मैं वही ऐड कर दूं अब दोबारा से, ऐसा नहीं है। आपको अपने अपने मन में वो पैराग्राफ पहले बनाना है कि मुझे ये चीजें इसमें लिखनी है और कौन सी बात किसके साथ लिखी जाएगी। पहले मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर मुझे याद आया जो पहले लिखा था उसके साथ ये भी लाइन ऐड होनी चाहिए, ये नहीं चलेगा। अगर चौराहों की बात पहले कर रहे हैं तो चौराहों की बात खत्म करें, अगर ढाबे की बात पहले लिख रहे हैं तो ढाबे की बात पहले लिखें, खत्म करें। ऐसा नहीं है पहले चौराहों के पे जो बच्चे भीख मांगते हैं उनके बारे में आपने लिखा, फिर ढाबे वालों की बात की, फिर याद आया कि चौराहों वालों के साथ कुछ और लिखना था उसके बाद वो लिख दिया। ये कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके? आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है आपकी शब्दावली। शब्दावली मीन्स आपकी वोकैबुलरी। मैंने आपसे पहले भी कहा था इसके लिए प्लीज रीडिंग्स करने शुरू कीजिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कई बार हमें शब्द आते हैं जो हम लिख रहे हैं वो हर जगह प्रयोग नहीं होते हैं, हर जगह उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कई बार पर्यायवाची शब्द होते हैं, हमें आते हैं, हम लिखते जाते हैं, कोई ऐसा शब्द बीच में लिख देते हैं वो उसके साथ नहीं जाएगा। जैसे युग ने लिखा था संवाद, संवाद अच्छा लिखने की कोशिश की गई थी, जो शब्द से आते हैं उसने वो शब्द लिखने की कोशिश की, लेकिन कहीं कहीं वो शब्द वहां पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। ओके? नेक्स्ट इज आपकी वर्तनी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्तनी मीन्स आपके स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स, वर्तनी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, रिटन प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। हम इजी से इजी वर्ड्स भी नहीं लिख पाते, जो शब्द हमें मात्राओं के हिसाब से आ जाने चाहिए हम नहीं लिख पाते, ये गलत है। ओके? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण मीन्स आपका सेंटेंस फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन थॉट्स के साथ ही ये भी आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। आपके सेंटेंसेस ठीक बने होने चाहिए, पहला सेंटेंस दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। उसे देर हो गई जब वह घर जा रही थी, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक नहीं लगता। घर जाते हुए उसे देर हो गई, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है? उसे रास्ते में, उसे एक लड़की दिखाई दी रास्ते में, रॉन्ग सेंटेंस। मुझे तुम्हारी माता जी मिली थी बाजार में और उन्होंने मुझे बताया, ये गलत है। मुझे तुम्हारी माता जी बाजार में मिली थी
और उन्होंने मुझे बताया। ओके, इस तरह से आपके सेंटेंसेस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और पहला सेंटेंस दूसरे के साथ मिला होना चाहिए, अलग नहीं लगने चाहिए। ओके, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको राइटिंग स्किल करनी है। अनुच्छेद भी इन्हीं पैरामीटर्स पे लिखा जाएगा और पत्र भी इन्हीं पैरामीटर्स पर लिखा जाएगा। ओके, आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र का क्या मतलब है? अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर्स। रमनीक, एनी डाउट? ओके, योग्य, एनी डाउट? आपने भी शायद हैंड रेस किया था। यस रिधिमा, किसी ने हैंड रेस किया? गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड आफ्टरनून, कहिए बेटा। गुड आफ्टरनून, सॉरी मैम, मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि हमारे मतलब अब जैसे हमारे पेपर्स हुए अभी, तो मतलब हमें बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के भी बहुत मतलब मार्क्स कटे, इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है मतलब चेकिंग? मतलब जैसे सॉरी एक मिनट, में दोबारा आपको कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी रिधिमा, हाँ जी कहिए मैम। तो इतने छोटी छोटी चीजों पे बहुत इस बार मार्क्स कटे हैं, मतलब अनयूजुअल। आप अपना पॉइंट रखिए, मुझे बताइए किस तरह से। जैसे कि मैम, जैसे वो लिखा था मैंने एंड में जो था वो क्या कहते हैं, संवाद लेखन था वो दो वैज्ञानिक बच्चों के बीच में। हाँ। तो उसमें मतलब मेरी काफी सारे सेंटेंसेस ठीक थे, तो जब कोई गलती हुई है मेरे उसमें से आई थिंक सो 3 या 4 मार्क्स कटे थे एक में से। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, मेरी सिर्फ एक लाइन की गलती थी। ये मैंने मैम को भी दिखाया था, उधर हिंदी वाले मैम थे, तो मैम ने बोला कि आपकी जो फॉर्मेशन थी वो गलत है, सेंटेंसेस तो सही है। हाँ, अब देखो बात वही आई ना कि आपका सेंटेंस ठीक है, ठीक है, आप जो बात कहना चाहते हैं वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, या एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा। यही बात मैं कर रही हूं ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स और सेंटेंस फॉर्मेशन। अब देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तुम्हारी माता जी मिली थी मुझे बाजार में और उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, बात वही है, बात कन्वे हो रही है कि तुम्हारी माता जी मुझे बाजार में मिली थी और उन्होंने मुझे बताया था, पर ओके, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। ओके रिधिमा, ये बात समझ में आई? वेट वेट रिधिमा, यस रिधिमा। मैम आपका कनेक्शन ही चला गया था तो कुछ नहीं सुना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो जब आपको मैं वही बात एग्जाम्पल मैंने पहले भी यही ली थी, अब फिर वही एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी माता जी मुझे मिली थी बाजार में और उन्होंने बताया। यहाँ हमें पता तो चल रहा है कि माँ बाजार में मिली थी और उन्होंने बताया था, लेकिन सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत हो गई, शब्द इधर उधर हो गए, तो उसके तो मार्क्स कटेंगे बेटा, है ना? हाँ जी, आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या कह रही हूँ। आपने बात ठीक है, हर चीज है, संवाद में भी आपका फॉर्मेट, आपका कंटेंट, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वोकैबुलरी, आपके स्पेलिंग्स और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीजें काउंट होंगी हर राइटिंग स्किल में, है ना? आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप संवाद में भी आप कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर किसी ने एक डायलॉग कहा, उसके नीचे किसी ने कोई दूसरा डायलॉग कहा जो कि पहले वाली बात के साथ मैच ही नहीं कर रहा, उसमें भी गड़बड़ होगी, वहां से भी नंबर कटेंगे। हम अपनी अपनी टपली अपना अपना राग नहीं बजा सकते वहां पर। एक मैम, मेरे सारे स्पेलिंग्स ठीक थे, फॉर्मेशन में जैसे गलती थी तो उसकी वजह से कटे हुए थे, मार्क्स कटेंगे फिर।
मैम, है हम ना। इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे? आप संवाद की प्रैक्टिस कीजिए बेटा, यही बात मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप रिटन प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे तो आपके स्पेलिंग्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। जितनी हम रीडिंग करते जाएंगे, जितना हम रिटन करते जाएंगे, हम इम्प्रूव करते जाएंगे। लिखकर भेजो, मुझसे चेक करवा लो, जो भी काम देती हूँ वो रेगुलर बेसिस पर कर करके चेक करवाओ, ताकि उसमें से एरर्स निकलते जाएं। जब हम कभी थोड़ा पिछड़ जाते हैं, हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर सब गड़बड़ हो जाती है। ओके रिधिमा, ओके मैम, थैंक यू। इन बातों का ध्यान रखिए, फिर राइटिंग सारी ठीक हो जाएंगी। ओके, आज मैं पत्र का फॉर्मेट फिर दोबारा बता रही हूँ। फेयर कॉपीज निकालो और उसमें ये लिखो, फेयर कॉपीज निकालो अपनी, सबसे पहले प्रारूप लिखो, जब आप अपने पेपर्स देखते होते हो ना तो टीचर से जरूर मिलने के लिए आया करो, जहां कोई गड़बड़ लगती है, जहां कोई प्रॉब्लम हो, ताकि आपको वहीं पर आपकी प्रॉब्लम्स बता दी जाए। एक हम जनरल डिस्कशन करते हैं और एक होती है आपको पर्सनली बताना, ठीक है, वो जरूर पूछा करो। ये हमारी कॉपी की मार्जिन लाइन है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने पत्र लिखना है। अब आपको जब अनौपचारिक पत्र है, मैंने पहले भी ये बात कही कि अगर आपको एक हेडिंग दिया हुआ है जिसमें पता लिखा है या नाम लिखा है तो आप वो यूज करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप परीक्षा भवन के साथ लिखेंगे और नीचे अपना एड्रेस, अपना नाम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, सबसे पहले शुरू करेंगे परीक्षा भवन। अब स्पेलिंग्स देखते जाओ, परीक्षा परीक्षा ई की मात्रा के साथ, मतलब एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप ई लिख देते हैं, परीक्षा लिख देते हैं, तो परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। ओके, परीक्षा भवन, जालंधर, जालंधर, बिंदी का ध्यान रखना है, जालंधर, दिनांक, दिनांक। और मैंने बहुत बार ये बात कही है कि बेटा दिनांक को न्यूमेरिकल्स में लिख लिया करो, अब फिर अपनी मर्जी से लिखते हो तो वहां से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। दिनांक 17/1/2022, मार्च में पेपर होंगे, मार्च के ये स्पेलिंग्स हैं जो कि ठीक है, आपने ये लिख दिए हैं तो ये गलत है, यहां से तो आधा नंबर जाना ही जाना, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियों के नंबर कटते हैं बेटा, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। ओके, दिनांक लिखी, दिनांक के बाद यहां पर प्रिय मित्र या प्रिय भाई, या आपको अपने किसी बड़े को पत्र लिखना होता है, पूज्य पिताजी, पूज्या माता जी, ठीक है। जब आप किसी मेल मेंबर को लिखेंगे तो आप पूज्य लिख सकते हैं, जो आपसे बड़ा हो, मित्र या भाई को नहीं, जो आपसे बड़ा है, आपके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। मेल मेंबर के लिए पूज्य, फीमेल मेंबर के लिए पूज्या या आदरणीय, आदरणीया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वो भी स्पेलिंग्स लिख देती हूँ, आदरणीय
या आदरणीय, कुछ भी। अब ग्रामर बुक्स में से पढ़ते हैं, वहां अलग अलग वर्ड्स दिए होते हैं, अब कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आप अपने मित्र या अपने से बड़ों को लिखते हैं तो लिखिए नमस्ते। ओके, जब आप अपने छोटों को लिखते हैं तो लिखिए शुभाशीष। ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। जब आप अपने हम उम्र यानी अपने मित्र को लिख रहे हैं या अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो नमस्ते। जब आप अपने से छोटे को लिख रहे हैं तब शुभाशीष। शुभाशीष का मतलब होता है बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, उसके बाद इसमें विषय नहीं लिखा जाता, ये फॉर्मल लेटर्स नहीं है, ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें विषय नहीं लिखते हैं कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। कुछ बच्चों ने विषय लिख रखा था, इन पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता। ओके, उसके बाद हम सब यहां पर कुशल हैं, आशा है कि छोटे को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं तो तुम लिख सकते हैं, अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो आप भी ठीक होंगे। ओके, उसके बाद आप अपना कंटेंट लिखेंगे, आगे समाचार यह है कि जो भी आपने लिखना है। ओके, पत्र खत्म हुआ यहां पर। लास्ट में घर में सबको यथा योग्य कहना। अब इस यथा योग्य कहना का क्या मतलब है कि बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, तो घर में सबको यथा योग्य कहना, राइट? अब मान लो आपने अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जो छात्रावास में रहता है यानी हॉस्टल में रहता है, तो क्या आप ये लाइन लिखेंगे घर में सबको यथा योग्य कहना? नहीं लिखेंगे। हाँ जी योग। मैम, अगर कोई किसी को मैसेज देना है, कोई समझाना है छोटे भाई को या छोटी बहन को, फिर थोड़ी ये लिखेंगे ना, यथा योग्य कहना ये वगैरह। अगर आपका छोटा भाई बहन या कोई बड़ा भाई बहन छात्रावास में रहता है या आप अपनी फैमिली के साथ जलंधर में रहते हैं, पिताजी दिल्ली में नौकरी करते हैं, तब आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तब आप क्या लिख सकते हैं? अपना ध्यान रखिएगा या जल्दी ही पत्र का उत्तर देना, ठीक है, या जल्दी ही मिलने आना। जिसको पत्र लिख रहे हो, जिस तरह का पत्र लिख रहे हो, लास्ट में वैसी लाइन हम लिखेंगे। इज इट क्लियर एवरीबडी? शो मी थंब अगर ये क्लियर हो गया तो। एवरीवन, ओके गुड। ठीक है, यहां पर खत्म कर दिया। उसके बाद पत्र लिखने वाला या वाली तुम्हारी मित्र या तुम्हारी बहन, पत्र लिखने वाली या पत्र लिखने वाला तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ठीक है, आपकी बहन, आपकी बेटी, जो भी है। उसके बाद डैश नाम, डैश पता।
इज इट क्लियर? इतना फॉर्मेट सबको क्लियर हुआ? यहां पर पत्र खत्म हो जाता है। आपने यहां पर अपना नाम अपना पता बिल्कुल नहीं लिखना, ओके? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अपना नाम अपना पता नहीं लिखना है, राइट? अब यहां पर जब हम लिखते हैं तुम्हारी मित्र, तुम्हारी बहन, तुम्हारी के स्पेलिंग्स बहुत लोग गलत करते हैं, तुम्हारी तुम्हारा। ये रूल है कि म आधा ही आना, यहाँ पर पूरा म किसी हालत में नहीं आना, तुम्हारा तुम्हारी आधा म, पूरा म नहीं लिखना, ओके? उसके बाद बहन के ये स्पेलिंग है, भ के साथ नहीं है, ब के साथ है, बहन बहन नहीं है। भाई भ के साथ है, ब के साथ बाई नहीं है, बाई बन जाता है जो काम करने वाली हो, बाई, ओके? बहन भाई, राइट? बेटा बेटी, माता पिता के, बेटा बेटी या पुत्र पुत्री, बेटा पुत्र बेटी पुत्री, ओके? नेक्स्ट इज दादा दादी, उनके लिए पोता या पोती। दादा दादी के लिए पोता या पोती। बोर्ड दिखाई दे रहा है इधर या नीचे लिखूं? दिखाई दे रहा है, ओके? यस कीर्तिमा, मैम पता के बाद पूर्ण विराम लगाना है। बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या कह रहे हो? पता के बाद पूर्ण विराम आना है। किसके बाद पूर्ण विराम? कहां पर? पता एंड में, पता नहीं आना। मैंने नहीं लिखा, क्यों आएगा? नहीं आएगा, नो नो पूर्ण विराम। आप अपना एड्रेस कीर्तिमा घर का लिखते हो तो उसके बाद कहीं पर फुल स्टॉप लगाते हो? नहीं लगाते, ठीक है? नाना नानी, नाना नानी को आप क्या लिखोगे? नाती, बॉयज लिखेंगे नाती, गर्ल्स लिखेंगे नातिन, नाती नातिन, ओके? उसके बाद मामा मामी मौसी, जो भी मदर के साइड से आपके रिलेशंस हैं, ठीक है, मैटरनल, उनके लिए भांजा या भांजी, जो फादर की तरफ से रिलेशंस हैं, उनके लिए भतीजा भतीजी, क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? नो डाउट? ओके, कल हम लोग पत्र डिस्कस करेंगे, राइट? आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं भेजूंगी, ग्रुप चेक कीजिएगा, एक पत्र भेजूंगी जो आप अपनी नोटबुक्स में लिख कर रखेंगे और हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।